हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले एक्सरसाइज में डील किया है 11.2 के अंदर। इफ द लाइन, ये दोनों लाइन है परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो ये दोनों पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, पहले वो चेक करो। एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन स्टैंडर्ड फॉर्म में है भाई। सही है, सही है, सही है। तो आपके पास जो डायरेक्शन रेशियोज हुए गिवन लाइन, हाँ इधर देखो, माइनस थ्री टू के और टू, एंड ये क्या हुआ है आपके पास, ये ए वन है, ये बी वन है, ये सी वन है कायदे से, ये थ्री के, ये वन और ये माइनस फाइव, ये ए टू है, ये बी टू है, ये सी टू है। ठीक है सर, डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब आपको क्या पता है, सो वी नो इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो आप बताओ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो होगा। बिल्कुल होगा, तो कर दो मल्टीप्लाई। माइनस थ्री इंटू थ्री के, टू के इंटू वन, टू इंटू माइनस फाइव इक्वल टू जीरो हो गया आपके पास। बिल्कुल सर, थ्री थ्री जर नाइन के हुआ, प्लस टू के हुआ और माइनस का टेन इक्वल टू जीरो। नाइन में से गया माइनस का सेवन के, माइनस टेन इक्वल टू जीरो। 9 में से 2 गया माइनस का 7 के, सही है। 2 5 जा 10, ये भी सही है। ठीक है, माइनस 7 के इक्वल्स टू पॉजिटिव 10, नीचे भेज दो। के का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 10 बाय 7। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, ये के की वैल्यू आ गई आपके पास। क्लियर है यहाँ पे?